भले जहां ईवीएम को लेकर इतनी चर्चाएं जोरों शोरों पर है और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस भी चल रहे हैं, वही एक समय था जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने इससे भी ज्यादा सुर्खियां पैदा की थी। हालांकि बात ऐसी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर डिस्कशंस अभी तक बंद नहीं हुए हैं। इसके बावजूद कि पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू देते हुए इसे सपोर्ट किया है और यहां तक कहा है कि इस स्कीम से ही लोगों को जानकारी मिली है कि आखिर किसके पास कितने पैसे हैं। लेकिन आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक बार फिर इस स्कीम को फटकारते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और कैसे इस इलेक्शंस में बीजेपी ने लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन नहीं किया बताया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बताया भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड केस से जुड़ी एक नई डिमांड लेकर वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि सिर्फ सीनियर एडवोकेट भूषण ही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी मौका नहीं छोड़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स और यूनियन मिनिस्टर्स को फटकारने का। तो चलिए देखते हैं कि असल में पूरा मुद्दा है क्या। तो जहां पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू से लोगों में तहलका मचा दिया था और कहा था कि इस स्कीम के हटने के बाद लोग इसे रिग्रेट करेंगे, वहीं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अलग कंट्रोवर्सी फैला दी थी जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि बीजेपी वापस पावर में आएगी तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाएंगे क्योंकि इस स्कीम से ट्रांसपेरेंसी आई थी। इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इसी पॉइंट की वजह से ही इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, जिसको सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाईलाइट करते हुए कहा, आई रिस्पेक्ट निर्मला सीतारमन अ लॉट बट इन एन इंटरव्यू शी सेड दैट व्हेन इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड दे वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर ट्रांसपेरेंसी। दिस इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दीज आर नॉट ट्रांसपेरेंट, दे वर ब्रॉट इन अ नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर। हैरानी वाली बात तो ये भी है कि निर्मला सीतारमन के हस्बैंड परकला प्रभाकर ने तो उल्टा खुद कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा स्कैम है और इस बात को उठाते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा, परकला प्रभाकर हस्बैंड ऑफ यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कॉल्स इट द लार्जेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड। यू शुड नॉट जज द स्कैम बाय द ₹16,500 करोड़ वर्थ ऑफ बॉन्ड्स बिकॉज फॉर एवरी 1,000 करोड़ रुपीज ऑफ दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स एटलीस्ट 100 times वर्थ ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन गिवन टू द कंपनीज दैट गेव दोज डोनेशंस। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने हाल ही में हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें कही है और एक मेन टॉपिक जिसपे उन्होंने बीजेपी को फटकारा है वो ये है कि इलेक्शंस के ठीक पहले उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से खूब पैसे इकट्ठा करते हुए अपोजिशन के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर लिए और आधे को तो ईडी द्वारा जेल में बंद कर दिया है, जिससे इस इलेक्शंस में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन नहीं है जो कि इलेक्शंस के फ्री एंड फेयर कंसेप्ट के पड़े जाता है। ही स्टेटेड द बीजेपी हैज ट्वाइस एज मच फंड्स एज ऑल द अदर पॉलिटिकल पार्टीज पुट टुगेदर। इवन दोज अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन फ्रोजन By the government, their leaders have been arrested. The elections today are totally unbalanced. There is no level playing field. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट भूषण ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल की है ये मांग करते हुए कि इस केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम द्वारा जांच होनी चाहिए जो स्कीम की जड़ तक जाए और इसे खत्म करे। सिर्फ यही नहीं, सीनियर एडवोकेट भूषण को चाहिए भी कि ये SIT किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा हेडेड होनी चाहिए और इसके बारे में भूषण ने स्टेट किया, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट इफ योर फाइल इज पेंडिंग विद अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंड इफ देयर आफ्टर यू गिव सम मनी टू दैट गवर्नमेंट देन इट इज प्रिज्यूम टू बी अ किकबैक। वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द पीपल इन द गवर्नमेंट कंपनीज एंड एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी। वी नीड एन इंडिपेंडेंट एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू प्रूव दिस। वी हैव फाइल्ड अ पिटीशन सीकिंग अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, होपफुली इट विल कम अप फॉर हियरिंग सून। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि अप्रैल 2019 से अब तक 12,769 करोड़ वर्थ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन कैश हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, जिसमें बीजेपी का एक ह्यूज शेयर है 47% का, जो कि 6,060 करोड़ रुपए है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बीजेपी ने उन लोगों को तो खूब ही फायदा दिया है जिन्होंने उन्हें बॉन्ड्स दिए थे, जिसका एक एग्जांपल देते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा, फॉर एग्जांपल मेगा इंजीनियरिंग गेव ₹140 करोड़ बॉन्ड्स टू द बीजेपी इन अप्रैल 2023। इन मई 2023 दे वर गिवन अ ₹14,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ टनल वर्क बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय द बीजेपी। फॉर द ₹16,000 करोड़ बॉन्ड्स प्रोबेबली ₹16 लाख करोड़ वर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉन्ड्स। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सीनियर एडवोकेट भूषण ने उठाया था वो ये था कि इलेक्शंस में स्पेंडिंग की एक लिमिट फिक्स करनी चाहिए, ये देखते हुए भी कि बीजेपी के पास बॉन्ड्स की वजह से इतने पैसे आए हैं तो वे इसका इस्तेमाल करेंगे तो वैसे ही इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा। अभी के लिए आपको बता दे कि द लिमिट ऑन इंडिविजुअल स्पेंड बाय अ कैंडिडेट फॉर अ लोकसभा इलेक्शन इज ₹75 लाख वेयर हैज देयर इज नो सच लिमिट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। ये सिचुएशन समझाते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जोर दिया और कहा, इफ बीजेपी वर टू पुट अप ऑल 500 कैंडिडेट्स दे कैन स्पेंड मैक्सिमम ऑफ ₹400 करोड़ बट द इलेक्टोरल बॉन्ड मनी अलोन व्हिच वेंट टू द बीजेपी इन द लास्ट 6 इयर्स
was over ₹8,000 crores, which means the party can spend 20 times of what its candidates can spend in an election. This is a complete mockery. सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट भूषण ने कहा है कि यूनियन का ट्रांसपेरेंसी गोल कभी था ही नहीं. He also said that even candidates often spend above their limit but get away with it as they spend in cash. और इस प्रॉब्लम का सलूशन देते हुए सीनियर एडवोकेट भूषण ने कहा, This could have been easily curbed by having a one-line amendment in the Representation of People Act to the effect that no cash will be used. The whole election has become a money game. Today we are seeing the imbalance. BJP has twice as much money as all the other political parties put together. There's no level playing field. आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के अलावा अंजलि भारद्वाज, नेशनल कोऑर्डिनेटर NCPRI भी मौजूद थी, जिन्होंने भी पीएम मोदी के उस स्टेटमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के एब्सेंस में देश में वापस से ब्लैक मनी की समस्या उठ जाएगी. शी स्टेटेड, द फाइनेंस मिनिस्ट्री ब्रॉट इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स completely riding rough shod over all the warnings from the RBI and ECI on black money and money laundering. सिर्फ यही नहीं बल्कि अंजलि भारद्वाज ने तो SBI को भी नहीं बख्शा, जो आए दिन कोई ना कोई RTI एप्लीकेशन को डिसमिस करके अभी भी लोगों से इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश कर रही है. She stated, SBI is keeping people in the dark regarding their standard operating procedure on keeping and tracking the bonds and has denied a RTI request by activists saying it would hurt the commercial interest of third parties. और वहीं आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने तो पीएम मोदी की खुलेआम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सपोर्ट की वजह से उनको माफी मांगने की नसीहत दी है कि सुप्रीम कोर्ट के स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के बावजूद भी वे कैसे इसे जस्टिफाई कर सकते हैं. ही स्टेटेड, द बीजेपी टुक ब्राइब्स फ्रॉम कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन बॉन्ड्स एंड द नेक्स्ट डे मिस्टर मोदी गेव देम कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज टू देम. द बीजेपी टुक डोनेशंस फ्रॉम द कंपनीज ऑन व्हिच रेट्स वर कंडक्टेड. This is why the BJP supports electoral bonds despite the Supreme Court declaring the scheme unconstitutional and illegal. जहां भले PM मोदी और यूनियन को इस स्कीम की वजह से फटकार मिल रही है, उन्होंने कहा है कि वो बस देश में ब्लैक मनी की समस्या खत्म करना चाहते थे. और अपने इंटरव्यू में PM मोदी ने कहा भी है, There has been a discussion in our country for a long time that through black money, a dangerous game is there in elections. I wanted that we try something. How can our elections be free from this black money? How can there be transparency? There was a pure thought in my mind. We were looking for a way. We found a small way. We never claimed that this was the absolute way. और वही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर ही पेश होंगे, पर अगर नीड लगे तो कुछ बदलाव और सुझाव के बाद ये एक्सप्लोर किया जा सकता है. बात यहाँ वही है कि हर स्टोरी के दो पहलू है, और अब ये देखना होगा कि क्या सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा फाइल्ड केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए जल्दी उठता है या नहीं. टिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.